मैं पहली बात ये कि हम अंग्रेज गोरों के गुलामों के गुलाम हैं जो गोरों के गुलाम है ना वो नहीं चाहते हम आजाद कोई पॉलिसी बनाए हम इंडिया की बात में क्यों वजन है क्योंकि वो एक सोवरन स्टेट है तो मतलब व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स तो उस बात पे आप फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारी बात में वैल्यू होगा जय हिंद दोस्तों मेरे चैनल मोदी डेज में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि पुटिन डोवल जी से मिले पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पुतिन नॉर्मली एन से नहीं मिलते पुतिन तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं मिलते तो भारत एन एस ए से पुतिन ने जब बिठा के बातचीत की और वो वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो गया तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इसके पीछे चीन का मामला होगा क्योंकि आपको पता है कि चीन, का भी दुश्मन है से भी नहीं करता और भारत का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा शेड्यूल दिखेगा तो चलिए ऐसा न करके ये वीडियो देखते है एज प्राइम मिनिस्टर टू

और हम लोग कई बातें करेंगे ऐसा उन्होंने बोला फुटेज से पता मतलब बुला के पूछना पड़ रहा है कि भी क्या हुआ है तो ये जो है ना अब थोड़ा सा लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद एहसास तो हो गया है भाई साहब आप इसलिए उतावले हो रहे हो क्योंकि उसमें चाइना का फैक्टर है और क्योंकि हंगर गेम है पावर गेम है इसको कोई इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है बहरहाल तो वो उससे भी निकलेंगे लेकिन उसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान अभी देख रहा है कि भाई उनकी से किस तरह मामला तय होते हैं और क्या नहीं होते साहब स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं मेरा ख्याल है ये ये है उस चीज की जो अमूमन भारत वगैरह कहता है जो नया एक नया चैप्टर बन रहा है भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया अजीत दोवल साहब का आज मास्को में जाना और फिर वहां से पूटन साहब की स्टेटमेंट मोदी साहब से मुलाकात की खाश जाहिर करना और ब्रिक्स में ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात है, है और दर हकीकत अजीत दोवल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे ये भी बहुत हैरान कन बात है बड़ी सेंसिटिव मैटर है एन एस ए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है उसके तरह हकीकत पीछे बहुत बड़े मौजूद होते हैं। अपने रिलेशन चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो अमेरिका के साथ हो रिलेशन बेहतर करते चले गए हम पहले दिन से अली खान क्यों मरे थे क्यों मरे थे वो रशिया से तलग बनाना चाहते थे आ, तो उनको मरवा दिया गया ठीक है मैं पहली बात यह कि हम अंग्रेज बोरों के गुलामों के गुलाम हैं जो गोरों के गुलाम है ना हाँ। वो नहीं चाहते हम आज़ाद कोई पॉलिसी बनाए हम आजाद हों सिर्फ हमें अमेरिका का और बरतानिया का गुलाम रखना चाहते हैं उसी के लिए वो आज तक काम कर रहे हैं और वो उनको सपोर्ट करता है लुटो इस मुल्क नो इसीलिए हमारे मुल्क कितना लूटेंगे आप सारा पीछे मतलब आपको लगता है मजीद बहुत इस मुल्क पे अल्लाह की बड़ी रहमत है मैंने कई मुलक पे लिया इस जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसमें चार चार और चार मौसम है हर फसल है और इतना टैलेंट है इस कॉम में और इतनी ये मेहनती कौम है अगर इसको मैं दावा करता हूँ कोई दस, दस साल के लिए कोई एक ईमानदार मैनेजमेंट मिल जाए ये दुनिया का अजीम अलग बन जाए लेकिन इसको बनने नहीं दिया जाता एक वर्ड है सोवरेनिटी काश के हमारे मतलब लोग इस चीज़ को समझ सके इंडिया की बात में क्यों वजन है क्योंकि वो एक सॉन स्टेट है वो एट द सेम टाइम यूएसए से भी ताल्लुकात रखते हैं और रशिया से भी रखते हैं वो इस टाइम रशिया से फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए के साथ भी उनके साथ डिप्लोमेटिकलेशन चल रहे हैं तो हम पूरी दुनिया में जो कदर होती है वो हमेशा सॉरन स्टेट की होती है इंडिया इज़ अ सॉरन स्टेट वी आर नॉट अ सॉरन स्टेट तो मतलब वैन अर प्राइम मिनिस्टर इज सेंग दैट बेगर्स के नॉट बी चूजर्स तो उस बात पे आप फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारी बात में वैल्यू होगा हमारी बात में वैल्यू नहीं हो सकती कभी भी नहीं हो सकती आपको पहले अपना वो मकाम बनाना पड़ेगा मतलब अब मैं इसके ऊपर इतना बोल सकता हूँ जितना आप कहें मैं उतना बोल सकता हूँ वो बिल्कुल वो अपना स्टांस मनवाने पे वो रखते हैं कुवत रखते हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ना तो वो किसी के आगे बैगर्स हैं और उनके मतलब ये है कि उन्होंने कोई इस तरह अपने आप को ना प्रूव किया उन्होंने ये कहा अजीत डोवल ने प्रेजिडेंट पुटन को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुझे आप तक ये पैगाम पहुँचाने को कहा है और मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं आपको ये पैगाम दूँ और वो मैसेज यूक्रेन में जेलेंसकी और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई जो मिल बैठ के बातचीत होगी इसके ऊपर क्योंकि पुटन ने इसके ऊपर अभी कोई जवाब नहीं दिया कि वो क्या समझते हैं या क्या चाहते हैं उन्होंने ये कह दिया मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही ये था कि वो हमारे दोस्त हैं हम उनका वेट कर रहे हैं लेकिन ये मुमकिन है कि कोई ऐसा फार्मूला सामने आ जाए कि जिस पर इस जंग को रोकने में या कुछ इस तरह का पीस प्लान रुक सके क्योंकि तो, या फार्मूला पेश करना ही पेश कर सकता है ना बाकी तो कंट्रीज की अपनी ही मर्जी है कि वो क्या करना चाहे चले दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं तो डोवल जी ने पुटिन से जरूर कहा कि वो वहां पे यूक्रेन मामले पे उन्हें ब्रीफिंग देने आए है पर मुझे ये कहा नहीं पूरी नहीं लगती क्योंकि यूक्रेन मामले पे मोदी जी ने फोन कॉल पे ही पुटिन जी को एक ब्रीफिंग दे दी, दी थी डोवल जी के पास और ज़्यादा बोलने को होगा क्या और अगर कुछ ज़्यादा बोलने को होता तो वो फ़ोन पे मोदी जी ही बोल देते तो सिर्फ यूक्रेन का मामला यहाँ पे नहीं होगा तो मेजर गौरव वायर ने जो कहा कि पीछे चीन का मामला भी है तो मुझे ऐसा ही लगता है और डोवल ने यूक्रेन का मामला तुम इसलिए उठाया क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रोवर्सियर नहीं होगा चीन का नाम उन्होंने इसीलिए नहीं लिया होगा क्योंकि इससे रशिया और चीन के जो रिश्ते हैं उस पर असर पड़ते तो मुझे भी मेजर गौरव पा रहा है कि तरह यही लगता है कि इसके पीछे चीन का ही मामला होगा और चीन के बारे में बातचीत करने के लिए डोवल जी पुटिन से मिलने गए हैं या बातचीत उस पर होगी और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इस पर कितना भी रोना धोना करे कि पुतिन पाकिस्तानी पी से क्यों नहीं मिलते या दोल जी से वो क्यों मिले तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है भारत का एन भी उसकी औकात शहबाजेब से बहुत ही ज़्यादा है शहबाज शेर की औकात जो भारत का फॉरेन सेक्रेटरी होता है उससे भी नीचे है तो ये है पाकिस्तान की असली औकात तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत किया गया थैंक यू वेरी मच